मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको असली सोने की जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। ये देखिए, एक सोने का हार बना हुआ है। ऐसा सेम टू सेम हार गोल्ड पॉलिश किया हुआ भी बाजार में मिल सकता है। गोल्ड पॉलिश किया हुआ और इसमें क्या अंतर है, ये आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। देखिए, सोने के जांच के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तरीका मुख्य ये है कि सर्वप्रथम सोने को गर्म कर लिया जाए। गर्म करने के बाद सोने में जितनी मिलावट होगी उतना वह काला हो जाएगा। यदि सोने में मिलावट नहीं होगी तो वो काला नहीं होगा। जितना तांबा होगा, जितना टांका होगा, वो उसी हिसाब से वो काला होता जाएगा। यदि वो पीतल का है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। यदि सोने का है तो वो नरम होगा। और उसको शोरे के तेजाब में डालिए। याद रखें, यदि शोरा के तेजाब में डालने के बाद यदि धुआं उठने लगे तो समझ लीजिए कि वो सोने का नहीं है। यदि धुआं ना उठे तो वो सोने का है। दूसरा इसका वो है कि एक टुकड़ा इसमें से उसको अच्छी तरह पिघला लिया जाए, उसकी गोली बना ली जाए। गोली बना करके उसे अच्छी तरह पीट करके शोरे के तेजाब में डाल दिया जाए। कुछ समय के बाद यदि वो सोने का नहीं होगा तो उड़ जाए, धुआं बन के उड़ जाएगा। और यदि नहीं होगा, सोने का होगा तो वो वैसे का वैसे कलर में रहेगा। तीसरा है कि इसको हम एक वट्टी के द्वारा भी हम परख सकते हैं। पहले पीतल की, जैसे मान लीजिए ये वट्टी है, तो हम इसको ऐसे रगड़ते हैं। ऐसे रगड़ने के बाद हमें, मान लीजिए ये पीतल का है, तो हम ऐसे रगड़ेंगे तो उसका ये कलर हमें चेंजिंग आएगी, कलर में चेंजिंग। सोने के कलर में और पीतल के कलर में अलग अलग प्रकार से चेंजिंग नजर आएगी। और तीसरा, हम आपको ये फार्मूला बताने जा रहे हैं। एक नुशादर की बट्टी आती है, उसको अच्छी तरह से पीस लें और उसका चूरा बना करके अच्छी तरह गर्म करें। गर्म करने के बाद उसके ऊपर डाल दें। और जो सोने का होगा तो सोने का कलर आएगा, पीतल का होगा तो पीतल का कलर आपको नज़र आने लगेगा। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको सोने के बारे में दी। धन्यवाद।